टीवी शो क्राइम पेट्रोल वाले एक्टर अनुप सोनी ने अपनी एक्टिंग के बल पर लोगों का दिल जीता। छोटे पर्दे पर ही नहीं सिल्वर स्क्रीन और वेब सीरीज में भी अनुप ने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। रियल लाइफ में अनुप ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर उनके रियल लाइफ की बात की जाए तो रियल लाइफ की बात और सच जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अनुप अपनी लाइफ में प्यार के मामले में थोड़ा ज्यादा ही उलझ गए थे। शादी के बाद उन्हें प्यार हुआ और प्यार के खातिर उन्होंने अपनी 6 साल पुरानी शादी और बच्चों को छोड़ दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनुप सोनी की लव लाइफ कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई। अनुप सोनी, जिनका जन्म 30 जनवरी सन 1975 को पंजाब के लुधियाना में हुआ, अनुप ने शुरू से ही एक्टर बनने का सपना देखा था। उस सपने को पूरा भी कर दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन के बाद उन्हें कुछ डेली सोप में काम करने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज भी किए। बालिका वधू, CIG, क्राइम पेट्रोल जैसे कुछ सीरियल्स में वो नजर आए, जिनके बदौलत अनुप की पहचान घर घर में बनी। अनुप सोनी ने पुणे में सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट ग्रेजुएट और एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मालकिन रितु सोनी से शादी की थी। अनुप ने रितु सोनी से साल 2005 में शादी की थी। शादी के बाद ये कपल एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और ये कपल की जिंदगी बदल गई। असल में टर्निंग पॉइंट तब आया जब अनुप सोनी को बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर से प्यार हुआ, जिसके लिए अनुप सोनी ने अपनी पत्नी, 6 साल का प्यार, 6 साल की शादी और अपने बच्चों को सब कुछ छोड़ दिया। शादी के करीब 6 साल बाद अनुप सोनी और रितु सोनी का तलाक हो गया। उस वक्त कपल की 2 बेटियां भी थी। खबरों की माने तो रितु सोनी ने उस वक्त बताया था कि कहीं ना कहीं शादी के 6 साल बाद अनुप और मेरे शादीशुदा जिंदगी में बदलाव आने लगे थे। इस बदलाव के कारण बाद में पता चला था कि इसका कारण कोई और नहीं बल्कि राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर थी। अनुप एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि वो अब अपनी बेटी जोया और मायरा की जिम्मेदारी और नहीं ले पाएंगे। एक इंटरव्यू में रितु ने बताया था कि अनुप का व्यवहार भी काफी ज्यादा बदल चुका था। मैंने जब उनका मोबाइल डिटेल निकलवाया तो सारा सच सामने आ गया। बिल को देखने के बाद मेरी जितने भी शक थे वो सच में बदल गए। सही बात कहूँ तो अनुप अपने दिनों का एक बड़ा हिस्सा था जो जूही के साथ फोन पर बात करता रहता था। इस बारे में मैंने जब जूही से बात की तो उन्होंने ये माना कि अनुप उनसे बात करते हैं। इतना ही नहीं, अनुप ने खुद इस बात को उनके सामने कबूल कर लिया था। वहीं जूही के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में थे और पुणे में कई वीकेंड के उनके साथ गुजारे थे। अब लिमिट पार हो चुकी थी और फिर अनुप ने अपना आपा छोड़ दिया था और साथ ही अपना घर भी छोड़ दिया था। इसके बाद ये कपल 2010 में तलाक लेकर अलग हो गया। रितु ने एक इंटरव्यू में अपने तलाक पर बताया कि हमने अपने तलाक के मामले में बहुत ही शांत तरीके से फैसला लिया। ये बात सही है कि मेरे साथ गलत हुआ। जूही के साथ मेरे पति की नज़दीकियों की वजह से ही मेरी जिंदगी में परेशानी आई। अगर यही किस्मत है तो मैं अनुप और जूही के आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपनी बेटियों को सुखद और अच्छा भविष्य देने के लिए सक्षम हूँ। अनुप और जूही की मुलाकात एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप में हुई थी। दोनों नदीरा बब्बर के प्ले में साथ काम कर रहे थे। यहीं से इनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद अनुप ने साल 2011 में जूही से शादी कर ली। कपल ने शादी के बाद सारे ढंग से किए सारे रीति रिवाज और इस शादी में केवल उनके कुछ खास दोस्त ही शामिल थे। अनुप के साथ जूही की भी ये दूसरी शादी थी। अनुप से पहले जूही ने विजय नंबियार से शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। अनुप और जूही का एक बेटा ईमान भी है। अनुप सोनी और जूही बब्बर की शादी को अब करीब 9 साल हो गए हैं। शादी के बाद कपल खुशहाल जिंदगी जी रहा है। भले ही दूसरी शादी से अनुप की पत्नी को ठेस पहुंची हो, मगर प्यार के आगे किसी का वश नहीं चलता। तो ये थी पूरी अनुप सोनी की लव लाइफ, जहां पर उनके रिश्ते की शुरुआत किससे शुरू हुई थी और किस पर आकर खत्म हुई। नेक्स्ट नाइन लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।